30,000 डॉलर्स गाइस, 30,000 US डॉलर्स ये अर्निंग है इस चैनल की। आप देख सकते हो यहाँ पे 35,000 महीने की ये मैक्सिमम, 2,000 से लेके 35,000, और इसका कितना है 185 से लेके मैक्सिमम 3,000 डॉलर्स तक, मतलब 1 लाख से 2.5 से 3 लाख रुपए ये महीना कमाते हैं गाइस। नाम है चैनल का इंग्लिश क्रंच, आप देख सकते हो। तो अगर मैं आपको इसके वीडियोस दिखाऊं, मैंने ओपन करके रखा था आपके लिए, तो आप देख सकते हो इनके वीडियोस कैसे हैं। सो वंस यू सी हियर, वो इज अ टेक्स्ट है और ये बता क्या रहे हैं, लिसनिंग इज अ ग्रेट वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो इंग्लिश सिखा रही है बेसिकली। तो हमेशा याद रखना गाइज, आपको अगर अच्छा RPM चाहिए, मतलब 1,000 व्यूज पे आपको अच्छे पैसे आने चाहिए ना, तो वीडियोज हमेशा इंग्लिश में बनाना, ठीक है। इंग्लिश वाले जो वीडियोज रहेगा ना, उस पर हमेशा ज्यादा RPM मिलेगा आपको। मतलब यहाँ पे आपको लेट से $1 भी मिल रहा होगा ना, तो वहां पे आपको $5 से $6 1,000 व्यूज पे मिल जाएंगे। इसलिए इंग्लिश बनाना, तो आपको सुनाऊंगा नहीं कॉपीराइट पर्पजेस के लिए, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल स्टोरी पढ़ी है इन्होंने और कुछ भी नहीं है। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ना फेस दिखाना है, ना आपको बात करनी है, आपको सिंपली जाके ये वीडियोस क्रिएट कर लेने हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये चीज हो गई आपको दिखा दी मैंने, आप इनके एक बार मोस्ट पॉपुलर वीडियोस भी देख लो। 5 महीने पहले अपलोड किया था गाइस, 9 लाख से ऊपर व्यूज है, लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरीज, ठीक है। तो इस तरीके की वीडियोस वायरल भी हो जाते हैं गाइस, इनके सब्सक्राइबर्स आप देखोगे तो बस 43,000 सब्सक्राइबर्स अभी है और 44,000 की तरफ जा रही है अभी। तो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी से हम एक स्टोरी लिख लेंगे। मैंने अभी इसको एक स्टोरी लिखने को बोला था कि राइट मी अ 200-word स्टोरी इन सिंपल इंग्लिश, तो इसने हमको एक स्टोरी दे दी है। इसमें ये बोलता है कि वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ यंग गर्ल नेम्ड माया। माया वॉज नोन फॉर हर काइंडनेस एंड क्यूरियोसिटी, शी हैड अ डीप लव फॉर नेचर एटसेट्रा। तो माया के रिगार्डिंग ये स्टोरी है, तो मैं ये एक पहला पैरा कॉपी करके रखता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप अगर चैनल पे देखोगे ना, तो इमेजेस देखो कैसी है, और लेटेस्ट में आएंगे तो हमको पूरा दिख जाएगा। ये देखो सिंपल इमेजेस, यहाँ पे देखो। तो हमको क्या करना है, ये इमेजेस जो इन्होंने यूज करी ना, इतने इफेक्टिव नहीं लग रही, हमको और इफेक्टिव इमेजेस यूज करनी है ताकि लोगों का ध्यान और जाए हमारी तरफ। इसके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेंगे, और कौन सा यूज करेंगे, वो है lexica.art। तो बस आप ये वेबसाइट टाइप कर लो गाइस, और आपको इसमें जीमेल से लॉगिन करना है, और इसके बाद आपको ये इंटरफेस आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक सैंपल इमेज अभी अपने वीडियो के लिए जनरेट करके रखी थी, ये वीडियो के लिए। तो मैंने क्या बस टाइप किया कि अ गर्ल सिटिंग ऑन अ बेंच, तो ये इमेज तो इतनी सुंदर इमेज आ गई। और अगर हम देखिए, गर्ल सिटिंग ऑन अ बेंच इन विलेज, तो देख लो अभी आप लोग, वंस आई गो टू जेनरेट, अभी देखो हम, थोड़ा सा टाइम लेता है ये, बट इट विल डेवलप एन इमेज गाइस इन अ विलेज। तो ये स्टोरी के लिए कितना सुंदर लग रहा है अभी, तो मैं ये इमेज अभी सेव कर लूंगा, ठीक है। अभी हम एक और करेंगे, अ काइंड गर्ल, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक करने का बोला कि वो काइंड है। भाई आपको कोई भी इंग्लिश आने की जरूरत नहीं, इतना कॉपी पेस्ट आप कर लो, आपका काम हो जाएगा। आपको और कोई इशू आता है जैसे इंग्लिश में, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप का और इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और ये वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करो चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करो यार, ताकि ऐसे ऑनलाइन कमाने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। काइंड गर्ल सिटिंग ऑन बेंच इन विलेज, तो ये देखो, ये इतनी सुंदर इमेजेस बना गया, और हम ये यूज कर सकते हैं सिंपल। अच्छा, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ डाउनलोड का साइन आ जाता है, वैसे डाउनलोड कर लिया हमने, ठीक है। हमारे पास अभी इमेजेस आ चुकी है गाइस, अभी नेक्स्ट हमको करना क्या है, वॉइस ओवर कहाँ पे करेंगे और एडिटिंग कहाँ पे करेंगे, मेन जो चीज है। तो स्टोरी हमारे पास है, हमने कॉपी करके रखा था, दूसरा हमारे पास इमेज आ चुका है जो हमको चाहिए था वो, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ये ब्यूटिफुल इमेजेस हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि लोगों को और अट्रैक्शन हो अपने वीडियोज देखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अभी जाएंगे हम क्लिप चैम पे। अब मैं क्या बोलूंगा क्लिप चैम को, क्रिएट ए न्यू वीडियो, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिप चैम करके ऐप आता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, लैपटॉप पे आपको करना पड़ेगा। और इंपोर्ट मीडिया करके यहाँ पे रहता हूँ, इंपोर्ट मीडिया में जाओ आप लोग, तो ये दो इमेजेस मैंने लेट से इम्पोर्ट कर लिया।
और यहाँ पे प्लस साइन आएगा, आप जाओगे इमेजेस पे तो यहाँ पे आगे ये डाल दो। अभी इसमें क्या रहता है, इसमें एक चीज रहती है कि रिकॉर्ड एंड क्रिएट योर मीडिया के नीचे। तो यहाँ पे आप जाओगे ना, यहाँ पे आप बोलोगे टेक्स्ट टू स्पीच आएगा नीचे, आपको देख रहे हो, टेक्स्ट टू स्पीच पे क्लिक करो। आपने जो स्पेस अभी कॉपी किया था ना इससे, ये टेक्स्ट यहाँ से ये, तो मैं ये यहाँ पे अभी पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने पेस्ट कर दिया ये। अभी लोग क्या बोलते हैं कि ये वॉइस ओवर्स नहीं चलते, इनको मोनेटाइज नहीं किया जाता, उसका इशू क्या रहता ना गाइज, लोग क्या करते हैं हमेशा जेनी का ही वॉइस ओवर लेंगे, वो और कोई चेंज नहीं करेंगे। और दूसरी सीक्रेट ये है कि लेट से इन्होंने रॉजर का ये ले लिया वॉइस ओवर, तो लोग क्या करते हैं ना, वॉइस स्टाइल चेंज ही नहीं करते, वॉइस पिच चेंज ही नहीं करते हैं। अगर हम लो रखेंगे इसको, तो अभी आप सुन लो इसको, और मैं थोड़ा स्पीड भी कम नहीं करते लोग, और बोलते कि ये पकड़े जाते हैं। अभी देखो। Once upon a time in a small village, there lived a young girl named Maya. Maya was known for her kindness and curiosity. She had a deep love for nature and would spend her days exploring the lush forests that surrounded her village. ठीक है, save media. Save media किया हम लोगों ने। यहाँ पे गए हम लोग, add किया हम लोग। अभी आप देखो, और हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे जाएंगे हम टेक्स्ट में, टेक्स्ट में आप जाओ, ये प्रॉम्प्ट जो है ना इसमें नीचे जाओगे आप, तो आपको फंकी टाइटल करके दिख जाएगा, उसको प्लस करो और यहाँ पे जाओ इसमें, ठीक है। ये एक ऑप्शन है, नहीं तो एक और ऑप्शन है गाइस, वो मैं आपको बोलता हूँ अभी। यहाँ पे वो करना क्या है अभी, चलो ये टेक्स्ट डिलीट करते हैं हम लोग, डिलीट कर दिया मैंने। हम क्या करेंगे अभी, ये बार जो है स्क्रोल बार, इसको पीछे खींचा हमने ऊपर, यहाँ पे टॉप राइट में आपको कैप्शन दिख रहा है जहाँ स्पाइडरमैन है वहां पे राइट में, यस यहाँ पे क्लिक किया हमने, टर्न ऑन कैप्शन में इसको बोलूंगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना, म्यूजिक या साउंड ऐड करने से पहले आपको ये करना है। तो आपने टर्न ऑन कैप्शन किया तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, तो वही हमारा इंग्लिश स्टोरी है, इंग्लिश साउंड ही कर रहा है, तो इसको करो टर्न ऑन कैप्शन। तो अभी ये क्या करेगा, ये थोड़ा टाइम लेगा लेकिन अभी फास्ट हो जाएगा क्योंकि टेक्स्ट अपना कम है करके। तो ये देखो, यहाँ जो सर्कल दिख रहा है ना ब्लू, आपको ये इसने कर लिया। अभी आप इसको प्ले करो। Once upon a time in a small village, there lived a young girl named Maya. Maya was known for her kindness and curiosity. ये समझ गए आप लोग, तो यहाँ पे ये जो डिस्प्ले हो रहा है ना इस चैनल पे, इस पे था ना ये, यस ये जो डिस्प्ले हो रहा है ना टेक्स्ट, वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। सिंपल, लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे और सुनेंगे ना तो उनको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे कैसे होता है, ज्यादा टेक्स्ट दिख रहा है लेकिन एक ही लाइन पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन जब सबटाइटल्स आते हैं ना, तब जो वर्ड बोल रहे हैं वही वहां पे दिखता है, तो वो पढ़ के लोग ग्रास्पिंग ज्यादा हो जाता है गाइज, और लोग ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। समझ गए आप लोग, तो हम अभी क्या करेंगे, एक हो गया। तो मेरा कहना है कि एजुकेशनल म्यूजिक वीडियोज में एजुकेशनल वीडियोज में म्यूजिक नहीं यूज करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जो है वो नॉर्मली रखो, लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिनको सीखना है ना, वो म्यूजिक की तरफ ध्यान नहीं देंगे, वो सीखने की तरफ ध्यान देंगे। तो देखो ये इमेजेस और टेक्स्ट जो हमने लिया था वो कितना अच्छे से मैच हो रहा है। Once upon a time in a small village, there lived a young girl named Maya. Maya was known for her kindness. ठीक है, वेव वन हो गया टेक्स्ट का। अभी आपको वेव टू बता दो मैं क्या करना। मैंने जैसे कहा था, यहाँ पे हमने टेक्स्ट ऐड किया, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ गए हम लोग, ये डाला हमने यहाँ पे। अभी यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ ट्रांसफॉर्म दिख रहा है आपको टेक्स्ट के नीचे राइट में, जहाँ स्पाइडरमैन है वहां पे। देखो ट्रांसफॉर्म पे आओ, साइज है यहाँ पे, तो साइज कम करो, ऊपर ले लो, एक बार प्ले करके देखो। Once upon a time, और छोटा करने की जरूरत है। और हम क्या करेंगे, फिर से टेक्स्ट में जाएंगे, अगर नहीं आ रहा है ना, क्या करेंगे, इसको यहां से फॉर्मेट करना पड़ता है इसमें। सिंपल
इसको नीचे डालो, नीचे डालो, यहाँ पे बस एंटर प्रेस करते रहो आप लोग। खाता बंद करने के बाद एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, ठीक। तो ये आप ट्रांसफॉर्म में जाओ फिर से और सेंटर में ले लो, मतलब हमको इमेज भी दिख जाएगा, ठीक है ना। तो अभी ये प्ले करके देखो आप लोग। Small village. There lived a young girl named Maya. Maya was known for her kindness and curiosity. She had a deep love for nature and would spend her days exploring the lush forest that surrounded her village. पूरा कर देगा, understood? So आप दोनों तरीके से टेक्स्ट लिख सकते हो और आपका वीडियो अपलोड कर सकते हो गाइस। अभी नेक्स्ट चीज मुझे आपको एक बतानी थी कि इसमें हमको लगेंगे कीवर्ड्स, तो हम कीवर्ड्स कहाँ से लेंगे? तो हम करके अलग कर रहे हैं, अभी इंग्लिश सिखा रहे लोगों को, लर्न इंग्लिश का चैनल है, तो ये प्रोफेशनली जाना है हमको गाइज, ऐसे वैसे नहीं करना है, इसलिए मैं आपको ये आपको कोई नहीं बताता। तो आपको विड आई क्यू में आना है, फ्री है ये। विड आई क्यू में AI कोच करके न्यू यहाँ पे दिख रहा है आपको, जहाँ स्पाइडरमैन है ऊपर, वहाँ पे स्पाइडरमैन चल रहा है वहाँ पे स्क्रीन पे, ये देखो ऊपर AI कोच है ना। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग और यहाँ हम जाएंगे गिव मी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स और इंग्लिश लर्निंग। तो लोग क्या करने को आता है, इंग्लिश सीखने को आते हैं ना लोग यूट्यूब पे, तो वही तभी हमारा वीडियो सर्च करेंगे। तो ये एक हो गया, ठीक है। गिव देम इन कॉमा सेपरेटेड कमेंट, AI वो समझ में आता है थोड़ा इंग्लिश, ठीक है। ये हो गया अपने कीवर्ड्स। अभी हम क्या करेंगे, एक और बात हमको करना है अभी कि कीवर्ड्स के लिए जाएंगे यहाँ पे रैपिड टैक्स करके एक वेबसाइट है गाइस, रैपिड टैक्स में हम लोग आ गए। यहाँ पे हमने क्या लर्न इंग्लिश, तो ये जो कीवर्ड्स रहता ना वो भी बेस्ट रहते हैं। एक हो गया vidIQ, दूसरा हो गया ये। आई रिकमेंड कि आप rapidtax.io यूज करो, क्योंकि इसके जो कीवर्ड्स रहते हैं ना वो हमेशा ट्रेंडिंग रहते हैं। और यहाँ पे आके आप कॉपी करो और ये कीवर्ड्स आपको डालने हैं। हाँ, अभी आपको बताता हूँ कि vidIQ का दूसरा यूसेज क्या है। तो आप इसको क्या बोलेंगे कि गिव मी ए आई कैची, आप ये कॉपी कर लोगे इस पूरा फॉन्ट, आई मीन प्रॉम्प्ट, आई कैची टाइटल फॉर लर्न इंग्लिश through stories, use emojis. देखो once upon a time learn English through stories, ये देख रहे हो आप, इस तरीके के टाइटल से आपको जनरेट करके दिए। और इसको बोलोगे आप give description for the same। तो आप कीवर्ड्स के लिए रैपिड टैग्स यूज करो, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए ये यूज करो, सिंपल। ये देखो आपको इसने ट्रेंडिंग सब कीवर्ड भी कीवर्ड बेस्ट डिस्क्रिप्शन और टाइटल दे दिया गया, जी आपको यूज करना है सिंपल वहां पे जाके। और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि थर्ड थंबनेल का क्या करना है। गिव मी अटेंशन सीकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना ये। अटेंशन सीकिंग थंबनेल आइडियाज और अबव, बोल दो कार्टून इमेज ऑफ अ बुक विद अ फेरी टेल, विद अ फेरी टेल कैसल इन द बैकग्राउंड विद द लिटिल लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरीज, ठीक है ना। क्योंकि फेरी टेल में जो कैसल आता ना, तो हम क्या करेंगे अभी फिर से जाएंगे लेक्सिका पे, हम फ्रॉम डालेंगे फेरी टेल कैसल, जनरेट करके देगा हमको इमेज। तो इसने बताया क्या हमको, फेरी टेल कैसल इन द बैकग्राउंड विद द टाइटल लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरी, सिंपल। ये देखो आ गया फेरी टेल कैसल, कितना सुंदर आ रहा है जी। तो लेट्स से मैंने ये कॉपी ये डाउनलोड किया मैंने, और कैनवा पे जाके मैं इसमें बस टेक्स्ट लूंगा आगे, लिखूंगा आगे लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरीज, सिंपल गाइज। अच्छा, ट्रेंडिंग वीडियो तैयार है।
दिन का आपको 15 मिनट इसमें लगेगा गाइस, दो दो वीडियोस आपको अपलोड करने हैं, दिन का आधा घंटा दोगे और महीने के 60 वीडियोस हो जाएंगे गाइस, आपको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा क्योंकि इंग्लिश सीखने वाले बहुत लोग हैं। तो मैंने जो ट्रेंडिंग आपको टूल्स बताए vidIQ और रैपिड टैग्स, वो यूज करना आप लोग, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली अच्छे टूल है, मिसगाइड मत होना गाइस। और तो इस तरीके से आप ऐसी कमाई आसानी से कर सकते हो, ठीक है। आपको मैंने बताया कोई इश्यूज है तो क्या करना है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑनलाइन कमाते रहो गाइज, मिलते हैं, बाय।